मैं तो ऐसा ही कुछ सीन है कुछ बीच का और पूरे रास्ते ऐसा ही मतलब इन इस बीच पे चाय पे जहाँ पी रहे रास्ते में बीच मतलब समुद्र वाला बीच नहीं राज तुम वहाँ पे है हमको बहुत डर लग रहा है अभी तो ये खूबसूरत जगह है जहाँ पे हम लोग चाय पीने रुके हैं वैसे तो ऋषिकेश हम अच्छे से दिखा नहीं सकते आपको क्योंकि कैमरे पे रिकॉर्ड नहीं कर सकते सीनरी को बहुत ही खूबसूरत है पर जितना हो सकता है दिखाएंगे जब ऋषिकेश वापस आएंगे तब अभी तो हम लोग किसी और रास्ते पे हैं ऋषिकेश से आगे जा रहे हैं बट जो भी अभी ये जहाँ रुके हैं उतना दिखाते हैं आपको और ये चाय ब्रेक ओवर और अब निकलते हैं यहाँ से आगे के लिए आइए आपको कुछ खूबसूरत चीजें दिखाते हैं ये आप देख रहे देवप्रयाग और यहाँ की कहानी सुनाएंगे हमारे निशू साहब तो क्या बताना चाहते भैया तो यहाँ पे दो नदी का संगम हो रहा है अच्छा एक है अलकनंदा और एक है भागीरथी तो कौन है अलकनंदा और कौन है भागीरथी इधर से देख रहे हो वो है अलकनंदा ये है भागीरथी ये है भागीरथी मिलके गंगा गंगा बन अच्छा ये जो बन रही है ये गंगा बन रही है यहीं से गंगा नाम पड़ा है ठीक है देवप्रयाग में यहीं देवप्रयाग में गंगा नाम पड़ा है यहीं से संगम होता है दो नदियों का भागीरथी और अलकनंदा और जाके ये गंगा बनती है तो ये आप गंगा देख रहे हैं यहाँ बन रही है यहाँ पे संगम हो रहा है ये है देवप्रयाग शहर यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं स्कूल के बच्चे यहाँ पे हैं वो स्कूल है और बाकी आप देख रहे हो शहर बहुत प्यारा शहर है और यहाँ हम लोग रुके हुए हैं इस जगह पे हमारी गाड़ी बहुत खूबसूरत यार रास्ते में बहुत कुछ देखने को मिल गया अपना इंडिया है बहुत खूबसूरत आइए घूमिए देखिए अब चलते हैं आगे और आगे बहुत सारी चीज़ें देखने को आ जाओ आ जाओ दिल की खता भी है क्या मुझको गिला भी है क्या अरे इस दिल लगी के सिवा दिल ने किया भी है क्या आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं आशिक है ये जो नहीं है मैं क्या करूं दिल पे मेरा जोर नहीं है मैं क्या करूं ये दिल दीवाना दीवाना है ये दिल तो हम लोग आ गए कर्ण प्रयाग में टोटल यहाँ पे 5 प्रयाग है तो उसमें से एक प्रयाग है कर्ण प्रयाग यहाँ पे भी एक संगम है जिसको हम अभी दिखाते हैं आप लोगों को और बहुत खूबसूरत है बहुत खूबसूरत होने के साथ साथ यहाँ पे एक संगम भी है तो आपको हम संगम दिखाते हैं फिर उसके बाद कहानी बताते हैं कौन सी नदी किससे मिल रही है तो आप ये देखो संगम उधर से आ रही है एक नदी वहाँ से और एक यहाँ से आ रही है और दोनों मिल रही है ये सब मिल के गंगा बनाती है आगे जाके वहाँ पे ये कौन कौन सी नदी है निशु बताएगा यहाँ पे दो नदी मिल रही है अलकनंदा तो जो पहले आ रही है ग्लेशियर से अच्छा वो अलकनंदा ग्लेशियर वाली हाँ हाँ वो है पिंडर रिवर वो कौन सी है पिंडर पिंडर अच्छा पिंडर रिवर कहाँ से आ रही है वो है वो नंदा देवी पीक जो है ना हाँ नंदा देवी पीक हम लोग ओली जाके देखेंगे अच्छा वो पूरा बर्फ से ढका हुआ रहता है वहाँ का ग्लेशियर जब पिघलता है तो पिंडर नदी वहाँ से निकलती है ओ वहाँ से ओके अलकनंदा बढ़ते जाती है देखे थे हम लोग देवप्रयाग में हाँ। वो जाके किससे मिलती है भागीरथी से अच्छा। और मिलके बन जाती है गंगा ठीक है तो अलकनंदा वहाँ पे खत्म होती है लेकिन अलकनंदा भी चलेगी बहुत पीछे जाएगी विष्णु प्रयाग आएगा वहाँ भी देखेंगे ठीक है चलते फिर तो ये स्टोरी है बाकी यार मतलब संगम भाई प्रयाग मतलब संगम और यहाँ पे कितने प्रयाग है टोटल 5 प्रयाग है भाई अब बाप रे आप एक बार पत्थर देखो यार कितने बड़े बड़े यही सीन है भाई बहुत खूबसूरत है और ये वादियाँ तो हम लोग आ गए हैं जूसी भट्ट पर अभी अपने होटल के रिसेप्शन पे हैं और
रूम्स में जाना है, पूरे दिन की बुकिंग थी लेकिन लोग रात में आए हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है, और कल ओली में बुकिंग है। जो जोशी मठ आने का रास्ता है ना बहुत ही सुपर था, जो कि कैमरा जस्टिस नहीं कर सकता, तो हम जो शॉर्ट्स लिए वो डालेंगे नहीं, थोड़ी बहुत जो है वही डालेंगे, इतना दिखा नहीं सकते क्योंकि कैमरा बिल्कुल जस्टिस नहीं कर रहा था। जो मेरी आंखों ने देखा वो बिल्कुल अलग है, और आप लोग जज करके नहीं आओगे तो अलग बात है, लेकिन अलग था पूरा। ठीक है, तो अभी अपने रूम की ओर प्रस्थान करते हुए भाई सीढ़ियों पे इतने भारी सामान के साथ, ठंड बहुत ज़्यादा है, पता नहीं कितने डिग्री है लेकिन है बहुत ज़्यादा, शीत भी आ रहा है, बहुत फट रही है ठंड से। बाकी होटल साफ़ सुथरा है बहुत ज़्यादा, ऐसा इतनी हमारा दो रूम है, पहले रूम में कितने लोग रहते हैं दिखाते हैं आपको रूम। तो भाइयों ये अपना कमरा, इधर अपना जो भी वॉशरूम है सेक्सी सा, इधर अपना अच्छा गुड सा शीशा होगा सुपर, और ये अपना गीजर वीजर लगा पड़ा है, ये अपना टीवी, ये अपने कमरे का बैकग्राउंड देखो गाइस सुपर भाई, मज़ा आ गया शुभम भाई, बहुत मज़ा आ गया, बहुत बहुत ही अच्छा रूम। और भाई टीवी भी ये लोग सैमसंग वाले दे रहे हैं, कहीं भी मतलब कंजूसी नहीं की है भाई, यहाँ पे भी टीवी की जरूरत पड़ेगी भाई, गर्म करने के लिए भी है, और ये शीशा कितना सेक्सी सा लग रहा है। हाँ दिखाया, सेक्सी सा लग रहा भाई, ठंडा सुपर भाई सुपर रूम एकदम सही है भाई, कैसा लग रहा है सुपर डीलक्स, थोड़ा सा बड़ा रहता है जी, जिंदगी का सहारा। ओ भाई हीटर, गरम पानी की व्यवस्था है, टेंशन नहीं लेना, सब कुछ है, सब कुछ है, चौड़े में रहना, सारा व्यवस्था दे दिया गया है अपने को, गर्मी का चाय वगैरह मार्केट घूमेंगे आराम से, एंजॉय करेंगे। 12 घंटे का जर्नी था, उसके बाद हम लोग फाइनली है होटल में। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो गाइस, कार का सच में भाई इतने लंबे तक टाइम तक, मेरा सेकंड लार्जेस्ट था, एक बार था, क्या करना है क्या करना है, उधर से अच्छा ये व्लॉग खत्म करने से पहले कुछ करने वाले बस बस भाई, अरे वो उठाना पड़ता है, ओके 1 2 3 करेगा तू तो यहाँ पे सब क्या कुत्ता मिला।